तस्वीरों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की ये तस्वीर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल की है, जहां 3 महीने पहले हुए हमले में गंभीर युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। परिजनों के मुताबिक मृतक युवक सचिन इलाके के पार्षद जयवीर खटाना के गलत धंधों का विरोध करता था, जिसके चलते 3 महीने पहले पार्षद ने युवक पर हमला कराया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल होने के बाद 3 महीने से अस्पताल में कोमा की हालत में भर्ती रहा। लेकिन जैसे ही परिजन गंभीर युवक को अस्पताल से घर लेकर आए तो वहां उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के मुताबिक गंभीर रूप से चोट लगने के चलते ही घायल युवक की मौत हुई है। वहीं मृतक सचिन के परिजनों के साथ आए इलाके के लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि पार्षद अवैध शराब सहित कई गलत धंधों में संलिप्त है और आरोपी पार्षद और उसके 2-3 साथियों को पुलिस ने अभी तक राजनीतिक दबाव के चलते गिरफ्तार नहीं किया। सर, वो शराब का विरोध करता था, जो वार्ड नंबर 3 से पार्षद जयवीर खटाना है और वो शराब माफिया है और जो उसके ग्रुप के लड़के थे वो शराब बेचते थे, तो उनसे वो मना करता था कि भाई यहाँ पे शराब मत बेचो। तो उन्होंने 1-2 बार उस पर हमला भी कराया, बच गया, मगर ये 3री बार उन्होंने उसको गोली मारी है और चाकू जहर वाले मार के उसको कोमा में पहुंचाया और वो 3 महीने से आईसीयू में एडमिट था। और हम सीपी साहब के पास, अमिताभ सिंह ढिल्लू जी थे, उन्होंने हमारी हेल्प करके 5 आरोपी अरेस्ट भी करवाए और जो अब नए सीपी साहब आए अमित कुमार जी, हम इनके पास 3 बार पेश हुए और इन्होंने बोला भाई जयवीर खटाना नहीं है इस मामले में। क्यों? वो इसलिए उन्होंने बोला कि उन पर कृष्णपाल गुर्जर जी का दबाव था। जो मरा आज लड़का, उसने खुद अपने मुंह से बताया कि पापा मेरे मेरे जयवीर खटाना भी था वहाँ पे, स्कॉर्पियो से उसने पहले टक्कर मारी है और ये कह के गया कि भाई इसे आज जान से मार दो, बचना नहीं चाहिए। तो पहले 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस, तो अब क्या मांगे आपके? जी, अब जयवीर खटाना और 2 जो अरेस्ट नहीं हुए वो अपने घर में आराम से बैठे जी, उसको पुलिस अरेस्ट करती नहीं है। वहीं इस मामले में जब हमने संबंधित पुलिस अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि घायल युवक सचिन की कई महीने इलाज कराने के बाद मौत हो गई। इस मामले में पहले ही 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, फिलहाल मामले की जांच जारी है, दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाएगी। थाना मुजेसर में करीबन 2-2.5 महीने पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक लड़के की कुछ युवकों ने पिटाई की थी, जिस पर अंडर सेक्शन 307 के मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें कुछ अरेस्टिंग हो गई है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। दौराने इलाज उस लड़के की कल मौत हो गई और उसी के सिलसिले में आज पीके हॉस्पिटल में उसकी बॉडी है और उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।